नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर एक, बाजार में मिलने वाली ब्रेड में छेद क्यों होते हैं? नंबर दो, राजपूतों के विवाह में सात के स्थान पर चार फेरे क्यों होते हैं? नंबर तीन, ज़्यादातर महिलाएँ अपने पति को धोखा क्यों देती हैं? नंबर चार, बुद्धिमान लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? नंबर पाँच, महंगाई कैसे बढ़ती है, इसे काबू करने के लिए सरकार क्या करती है? और नंबर छः, अंडे गोल ना होकर अंडाकारी क्यों होते हैं? नंबर एक, बाजार में मिलने वाली ब्रेड में छेद क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, आज इस दुनिया में मौजूद ज़्यादातर इंसान सुबह नाश्ते में डबल रोटी का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डबल रोटी में छेद क्यों होते हैं? पहले हम जानते हैं कि डबल रोटी बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल डबल रोटी बनाने के लिए मैदे या फिर गेहूं के आटे का उपयोग किया जाता है। कुछ स्थान पर चावल, जौ के आटे का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी, खमीर, चीनी और नमक का इस्तेमाल भी किया जाता है। आटा या फिर मैदा को पानी के साथ गूंद लिया जाता है। इसके बाद इसमें खमीर, नमक और चीनी को मिला दिया जाता है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि खमीर एक प्रकार का फफूंद होता है। खमीर की एक विशेषता है कि यह गर्मी और नमी के कारण बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, साथ ही साथ कुछ गैस भी पैदा करता है। बस यही कारण है कि बाजार में मिलने वाली ब्रेड में छेद होते हैं। नंबर दो, राजपूतों के विवाह में सात फेरे के स्थान पर चार फेरे ही क्यों होते हैं? दरअसल मान्यताओं अनुसार राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबू जी राठौर का जब विवाह हो रहा था और फेरों की रस्म चल रही थी, तो उन्होंने तीन ही फेरे लिए थे, जिसमें वधु आगे थी। और उस समय उन्हें एक सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला की गाय लुटेरे लूट कर ले जा रहे हैं। उस वृद्धा ने अपनी बहुत ही अच्छी नस्ल की एक घोड़ी बाबूजी राठौर को इस शर्त पर दी थी कि जब उसके पशुधन की सुरक्षा के लिए कभी जरूरत पड़े तो वह तुरंत हाजिर होंगे। अतः बाबूजी राठौर ने अपना वो वचन निभाने के लिए 20 फेरे में ही पशुधन की रक्षा के लिए जाने का निर्णय ले लिया और चौथे फेरे में आगे होकर फेरे की रस्म को चार फेरों में ही पूर्ण कर दिया। उसी वक्त बाबूजी गठजोड़े को छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़े और उस वृद्धा के पशुधन की रक्षा लुटेरों से लड़ते हुए शहीद भी हो गए। बाबूजी द्वारा अपने विवाह में फेरों के उपरांत बिना सात फेरे पूरे किए ही बीच में उठकर गोरक्षा के लिए जाने व अपना बलिदान देने के बाद राजस्थान में राजपूत समुदाय में अब भी विवाह के दौरान चार फेरों और सात वचनों की परंपरा है। नंबर चार, बुद्धिमान लोग हमेशा दुखी ही क्यों रहते हैं? दरअसल बुद्धिमान लोग हर बात को बेहद बारीकी गहराई से सोचते हैं। इसके चलते उनके दिमाग पर हर समय चीज़ों का विश्लेषण करने का भूत सवार रहता है। हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। यह बात पहली बार सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। इंटेलिजेंट होना वाकई काफ़ी फायदे की बात है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। जब आप बुद्धिमान होते हैं तो हर बात की तह में जाने की कोशिश करते हैं। इस पर एक बार ध्यान से सोचिए तो पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सोचिए, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है तो आखिर आप क्यों उसे लेकर परेशान रहते हैं? इसके चलते उनका दिमाग हर चीज़ों का विश्लेषण करता रहता है। यही कारण है कि लोग अक्सर खींचते देखे जा सकते हैं। ऐसे लोगों का मन हमेशा उधेड़बुन में भुना रहता है, इसलिए आप उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत ही कम देख पाएंगे। दरअसल जब बुद्धिमान लोग किसी बात को बेहद गहराई से सोचते हैं तो कई बार वे लोगों के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी असलियत को समझ पाते हैं। दुनिया के इस कड़वे सच को समझकर उनके मन में खटास पैदा हो जाती है और ऐसे लोग दुनिया से कटे कटे रहने लगते हैं। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हर चीज़ में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी सेटल भी नहीं हो पाते हैं। वो इस बात को लेकर एकदम क्लियर रहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है। जब तक वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक दुखी रहते हैं। दरअसल ऐसे लोग हमेशा ज़्यादा अपेक्षाएं पालते हैं, इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। यह लोग हमेशा जीवन में निरंतरता चाहते हैं। जब जीवन में ठहराव आने लगता है तो उनका मन बेचैन हो उठता है
और वो पूरे जोश से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में वो खुश नहीं रह पाते। बुद्धिमान लोग हमेशा काम की बात करना ही पसंद करते हैं। बेवजह की बातें या गॉसिप उन्हें समझ में भी नहीं आती है। यह हमेशा कट टू कट बात करते हैं, जिस वजह से कई बार लोग इनके व्यक्तित्व का मतलब या आकलन कर लेते हैं और उन्हें अहंकारी भी समझ लेते हैं। नंबर 5, महंगाई कैसे बढ़ती है, इसे काबू में करने के लिए सरकार क्या काम करती है। दरअसल आर्थिक बाजार में दो चीज़ें होती है, एक करेंसी जिसे मुद्रा या रुपया कहा जाता है और दूसरा वस्तु जिसे माल या सामान कहा जाता है। जब बाजार में तुलनात्मक रूप से मुद्रा रुपये की तरलता अधिकता या बाढ़ आ जाती है या वस्तु सामान की कमी हो जाती है तो वैसी आर्थिक स्थिति को महंगाई कहते हैं। महंगाई यानी बहुत सारा पैसा बहुत कम सामान को खरीदने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो महंगाई में मुद्रा की वैल्यू या कीमत सामान के तुलना में गिर जाती है। महंगाई बढ़ने के कारण अब हम आपको बताते हैं। नंबर 1, कम उत्पादकता की वजह से सामान या वस्तु का कम उत्पादन होना। नंबर 2, RBI की मौद्रिक नीति की वजह से बाजार में मुद्रा की बाढ़ आ जाना। नंबर 3, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की साख वैल्यू में कमी आना। दरअसल महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने एक स्वायत्त संस्था बना रखी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका काम देश के मौद्रिक नीति बनाना तथा उसे लागू भी करना है। नंबर 6, अंडे गोल न होकर अंडाकार क्यों होता है। दरअसल अंडा गोल होता है इसलिए उसके ऊपर बाहर से दिया जाने वाला दबाव ज़्यादा होते हुए भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह दबाव अंदर से नहीं जाता है और अंडा फूटता भी नहीं है, और जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता तब तक वहाँ सुरक्षित रहता है। बाहर निकलने के लिए बच्चा अंदर से दबाव देता है और अंडा फूटता है। अंडे का कवच कठिन होता है। दरअसल अंडा गोल होने का एक और कारण यह भी है कि जब कोई मादा पंछी में प्रजनन होने के बाद गर्भ ठहरता है तो पेट में अंडा तैयार होता है, उसके बाद वह जननांग से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल आता है। इस वजह से उसका एक विशिष्ट आकार हो जाता है जिसे अंडाकार आकार कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।